नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सबसे बड़ी खबर एक देश एक चुनाव को लेकर, जो एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है कोविंद कमेटी की सौंपी गई रिपोर्ट। आज एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने अपनी 18,662 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव भी करा लिए जाएं। आपको बता दें, 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की और अब ये रिपोर्ट जमा कर दी है। रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी साझा मतदाता सूची तैयार करने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में बात की गई है। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों को लोकसभा विधानसभा के साथ इस तरह जोड़ने के लिए कहा गया है कि निकायों के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर करा लिया जाए। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, एक देश एक चुनाव एक बार फिर से चर्चा में है, रिपोर्ट राष्ट्रपति तक चली गई है। क्या लगता है, अगर इस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो एक देश एक चुनाव से देश में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? किया गया था, इस कमेटी ने आज जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है, जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसमें सभी चीजें हुई हैं और तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, इसके अलावा तमाम अन्य लोग आज मौजूद रहे, जब उन्होंने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज ये रिपोर्ट सौंपी। अब यदि राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो होगा देश में, और फिर ऐसे में काफी तस्वीर बदल जाएगी। अब लगातार देश भर में चुनाव का समय रहता है, इसके बाद जो है वो लोकसभा, विधानसभा और जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो एक साथ देखने को मिलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। अभी ना देखिए, जिस तरह से जब पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई थी तो उस वक्त विपक्ष की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे कि भाजपा इसे अपने फेवर में लाना चाहती है, इसलिए ये रिपोर्ट बनवाई जा रही है, इसलिए समिति बनाई गई है। तो क्या एक बार फिर से विपक्ष की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार इसका कहीं ना कहीं विरोध करता नजर आ रहा था, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि देश में आपने देखा लगातार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद कई राज्यों में अलग अलग विधानसभा चुनाव होते हैं। तो ऐसे में सरकार का यह एक प्रयास है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय को जो चुनाव है वो एक साथ कराए जाए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। जो 18,000 पेज की जो रिपोर्ट है वो आज जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद है उनके अध्यक्षता में आज राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। अब राष्ट्रपति इसको मंजूर करती है, फिर ये 2029 तक ये मामला जा सकता है और 2029 में ऐसा पहली बार हो सकता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो। लेकिन विपक्ष जो है इसी बीच वो लगातार इसको लेके जो है सरकार पे वो वार कर रहा है, और उसका कहना है कि सरकार ये सब ध्यान भटका रही है और इस तरह का कुछ सरकार करना नहीं चाहती, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की चीजें जो है वो चलन में ला रही है। अभी ना देखिए, 7 महीने पहले सबसे पहली बार ऐसा हुआ था जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू हुई थी, तो क्या पब्लिक का भी कोई रिएक्शन आप इस मामले पर, इस मुद्दे पर देख पाए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए जब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये टीम का गठन किया गया था, उस दौरान ये खबरें थी कि जो सरकार है वो इस बात से ही इसको अमल में ला सकती है, लेकिन तब भी पब्लिक ने काफी इंटरेस्ट लिया था इसको लेके, क्योंकि ये भारत में नई चीज है और ऐसा अब तक पहले हुआ नहीं। भारत है तो समय समय पे लगातार जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड भी सही है, लेकिन इससे पहले कभी इस तरह के जो चुनाव है वो देश में नहीं देखने को मिले। ऐसे में पब्लिक जो है वो भी इस रिपोर्ट के बारे में और अधिक जानना चाहती है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, क्योंकि प्रधानी और चेयरमैनी से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव हमारे देश में लगातार समय समय पर होता रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत कब चुनाव होंगे, एक साथ कैसे सरकार चुनाव कराएगी, क्या जो वोटर लिस्ट है वो एक साथ होगी या अलग अलग होगी, इन तमाम मुद्दों पर भी पब्लिक फोकस कर रही है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव।